जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्मी लवर 170 में। तो मैं आपको आज आपको जो बताने वाला हूँ, रनिंग के बाद कौन कौन सा एक्सरसाइज करने से जो आपका सांस नहीं फूलेगी और जो है आपका पैर नहीं दुखेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड दौड़ पाएंगे। तो वीडियो लंबी ना करके हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में रहने वाला बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर देख रहे हैं, जंपिंग करना है, हल्का हल्का सा जंपिंग करना है, इससे आपका जो गोड़ है पूरा फ्री हो जाएगा। आपको ऐसे करना है, उसके बाद जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ एक एक स्टेप आप भी कर लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा कर लूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, आपको थोड़ा मतलब और थोड़ा करना है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद ये करना है, मैं 3-4 बार यही कर रहा हूँ, आपको तो 3 सेट करके करना है। 3 सेट करने से जो है आपका पैर पूरा फ्री हो जाएगा, आपका सांस भी नहीं फूलेगा और आप ज़्यादा लंबी रेस कर सकते हैं। उसके बाद हाथ को घुरा लेना है, तो गले को घुरा लेना है, राइट और लेफ्ट दोनों करना है। उसके बाद कमर को घुरा लेना है, आप देख ही सकते हो कमर को घुरा लेना है। उसके बाद ये वाला कर लीजिए, ये वाला मेरा थोड़ा गोड़ का जो गैप है वो थोड़ा कम रह गया है, तो आप जो है थोड़ा गोड़ का गैप ज़्यादा कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी में कर रहा था इसलिए। उसके बाद ये करना है, यहाँ पे 4 सेट है, देख लीजिए आप कैसे कैसे, देखिए 4 या 4 रकम का हो जाता है एक ही बार में। उसके बाद फिर जंपिंग करना है, जंपिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये सबसे फ़ायदा वाला है, आप इससे जो है अपना मसल्स का पावर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये करना है, मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, आपको 3 सेट करके करना है, नहीं तो नहीं होगा, आपको 3 सेट करके करना है। आप देख ही सकते हैं। उसके बाद कमर को घुराना है इसे, इसको डांसिंग डांसिंग भी कहते हैं, आपको कमर को जो है लेफ्ट राइट करना है। चलिए उसके बाद आप देखते हैं पैर, जो पैर मैं आगे उठा रहा हूँ, आप लोग साइड में लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, राइट साइड में जा सकते हैं। उसके बाद इस पोजीशन सेटअप जो बुक डाउन का पोजीशन है उस पोजीशन में आ जाना है और जो अपना पैर को इस हाथ के बाहर ले जाना है, इस पैर को भी ऐसे आपको लगभग 30 बार करना है, 3 सेट 10-10 करके। उसके बाद जो है अंदर की तरफ दोनों पैर अंदर, हाथ का अंदर की तरफ एक साथ करना है। उसके बाद बाहर की तरफ आपको जो है थोड़ा ज़्यादा करना है, मैं थोड़ा कम कम करके आपको बता दिया। उसके बाद जो है आप इसे पैर के टोई पर आप खड़े हो सकते हैं, पैर पर टोई पर खड़े होने से जो आपका सिंपेन का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है ये बहुत फायदा वाला है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में रहने वाला जो बेल आइकन है उसे ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो छोड़ूं तो आपके पास तुरंत चला जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।